जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो गाइस मेरे सामने से कुछ तो भी ब्लैक कलर का, मतलब साया बोल सकते हो। होला चिकोस, कोमो इस्ता तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी मस्त होंगे। तो गाइस, आज की जो अपनी स्टोरी होने वाली है वो आमेर फोर्ट राजस्थान की है। जैसे आप सबको पता है, राजस्थान टूरिस्ट प्लेसेस का भंडार है, तो उसी में से सबसे खूबसूरत प्लेस, मतलब सबसे खूबसूरत फोर्ट में आता है आमेर फोर्ट। इस फोर्ट को राजा मानसिंह ने 1589 में बनाया है और उस टाइम का सबसे खूबसूरत फोर्ट है ये। तो गाइस, स्टार्ट से मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये फोर्ट लगभग मैं गया था 2019 में, मतलब लॉकडाउन के पहले ही गया था। लगभग लॉकडाउन मार्च में लगा है, उससे पहले ही गया था मैं, जनवरी या जनवरी में ही गया था। तो मैं आपको फोटोज़ भी शो करूँगा। तो गाइज़, स्टोरी छोड़ के मत जाना, छोटी सी स्टोरी है। मतलब पिछली स्टोरी आप दो देखेंगे, लोनावला और उसके पहले वाली रानीघाट वाली, वो थोड़ी लंबी है, लेकिन ये स्टोरी छोटी है, लेकिन भाई बहुत अलग ही ट्विस्ट है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये। तो ऐसा है कि स्टार्ट से मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं अजमेर से जयपुर गया, जयपुर से फिर मैं इधर आया आमेर, आमेर की आमेर सिटी में ही ये आमेर फोर्ट है। तो बाहर आने के बाद सबसे पहले आपको एक बहुत खूबसूरत सी झील दिखेंगी, गार्डन दिखेगा। ये तो एंट्री के अंदर है, एंट्री के बाहर आपको पार्किंग करनी है। फिर वहाँ से मैं चल के गया, फिर एंट्री में ऐसे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको सीढ़ी से चलने वाला रास्ता दिखता है। आजू बाजू खाने की चीज़ें भी है, लेकिन भाई गंदगी नहीं फैलाना है, एकदम साफ़ सफाई से रखना है। बहुत खूबसूरत फोर्ट है वो, अभी तक का मैंने जितने फोर्ट देखे सबसे खूबसूरत फोर्ट वही है। मतलब बिल्ड के मामले में, मतलब एक नक्काशी कारीगरी होती है उसके मामले में, मतलब वो बेस्ट फोर्ट है। तो वहाँ से चढ़ने के बाद लगभग 15-20 मिनट ऐसी, मतलब चढ़ाई है। वहाँ से एक तरफ से हाथी जाते हैं, एक तरफ से जीप भी जाती है पीछे से, जो गांव से निकलती है। और अपन तो भाई ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग पहले मैं बताता हूँ, हम लोग का 4 का ग्रुप था, मैं, मेरा दोस्त और एक दोस्त था, उसकी वाइफ थी। तो ऐसा हम लोग 4 लोग गए थे। तो जैसे हम लोग ऊपर चढ़े, 15-20 मिनट लगते ऊपर चढ़ने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग को ऊपर जाना था, तो पहले स्टार्टिंग में एक एरिया आता है, उधर टिकट निकालना होता है। तो लगभग कुछ 100 रुपये का टिकट नॉर्मल नॉर्मल इंसान के लिए है, और जो स्टूडेंट है अगर आईडी दिखाता है तो उसके लिए 10 रुपये का टिकट। ये स्टूडेंट का बेनिफिट है, इसलिए भाई मेरे को वो टाइम पे इतने स्टूडेंट दिख रहे थे, पब्लिक इतनी थी लेकिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे। तो गाइज, उधर से हम लोग ने सबसे पहले टिकट लिया। टिकट लेने के बाद फिर हम लोग ऊपर गए, ऊपर चढ़ने के लिए ऐसा रास्ता है। फिर वहाँ जाने के बाद सबसे पहले दीवाने आम आता है, दीवाने आम आता है भाई। दीवाने आम में भी मैंने फोटोज निकाला, ये आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस, दीवाने आम में बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है अंदर से, मतलब एकदम नेचुरल, मतलब जो बैठने के लिए बनाया जाता है पहले राजाओं के लिए। और बहुत, मतलब वहाँ जाने के बाद नॉर्मल तो ठंडी में ज़्यादा ठंडक रहती, लेकिन उसके अंदर जाने के बाद और भी ज़्यादा मस्त वाली ठंडक थी। और बराबर उसके सामने एक गेट बना है, उसका गेट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नीचे मेंशन कर दूंगा मैं, लेकिन गाइज वो इतना खूबसूरत गेट था। तो गाइज़, वहाँ से दीवाने आम आता है। जैसे मैंने आपको बताया, दीवाने आम बहुत अलग तरीके से नक्काशी से बनाया हुआ है, और वहाँ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किए जैसे मैंने बताया। फिर वहाँ से बिल्कुल सामने ही एक बड़ा सा गेट आता है, बहुत खूबसूरत तरीके से उसको भी बनाया है, उसका आर्किटेक्चर भी एक नंबर है। और मैंने, जहाँ तक मैंने गूगल पे पढ़ा और वहाँ लोगों से पूछा, वो जो उसमें कलर्स किए गए हैं वो नेचुरल कलर से, वेजिटेबल कलर से, मतलब जो भी कलर है सब वेजिटेबल से किए हैं, और आज भी वो कलर वैसे ही है। तो मेरा तो प्लान चल रहा है, मैं जनवरी फरवरी में फिर से जाने का सोच रहा हूँ, पूरा राजस्थान, मतलब जितने भी फोर्ट्स वगैरह है, अजमेर शरीफ की दरगाह और आजू बाजू की चीज़ें, मतलब मैं सोच रहा हूँ जाऊँ। और आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको अच्छा ब्लॉग मिलेगा, लेकिन आप भी जाना क्योंकि बहुत खूबसूरत फोर्ट है आमेर फोर्ट। तो वो होने के बाद मैं अंदर गया वहाँ से, वहाँ से ऊपर दीवाने खास आता है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आती है, शीश महल। मैं बोलने से पहले भी सोच रहा था, इतना सब मुझे याद है। वहाँ से सबसे पहले आता है शीश महल, और भाई इतनी खूबसूरत प्लेस है, मैं जैसे बताया आप सबको एक बार जाना चाहिए, शीश महल देखना चाहिए। तो शीश महल के पास से स्टोरी स्टार्ट होती है। वहाँ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया जैसे आप देख सकते हो, और मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया। फॉरेनर्स भी आते भाई, वो अपने से ज़्यादा मालूम लेते हैं, ये कैसा है वो कैसा है, चुरा के भी उन्होंने लेके गए बहुत सारी चीज़ें अपनी, मतलब जो इम्पोर्टेंट अच्छी अच्छी चीज़ें थी इंडियन।
तो वहाँ सब मैंने देखा, सब एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद ऐसा सब में उंगली रहती है कि भाई इधर क्या है, उधर क्या है, इधर क्या है। तो ऐसे बहुत सारे डोर्स थे उसके पास, और नीचे ऐसा बाजार भी लगता है, गार्डन जैसा है और बाजार जैसा है। तो वहाँ मैंने देखा, फोटोज़ क्लिक किया, और फिर मतलब बराबर शीश महल के लेफ्ट साइड में, मतलब अंदर साइड में लास्ट डोर है, वो आपको दिख रहा होगा। देखो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको सामने आ रहा होगा। तो ये जो डोर है, तो वहाँ कोई नहीं था ज़्यादा, सब इधर ही फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो मैं सोचा इधर कोई नहीं, तो इधर फोटो क्लिक करते हैं, आराम से फोटोज़ भी आ जाएंगे, अपने को बैकग्राउंड का ऐसा कुछ था नहीं। तो उधर बैठ के मैं फ़ोटो क्लिक करने लगा, और मेरे दिमाग में आया कि यह एकदम अंधेरी गली जैसा रास्ता है, और बराबर इसके नीचे देखें तो एक गुफा जैसा, मतलब ऐसा इतनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ, मतलब मेरे को मिलता है फोटो तो मैं डाल दूंगा, ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ ऐसे नीचे जाती है, तो वैसा कुछ था। मतलब वहाँ से नॉर्मल इंसान भी गुजर नहीं सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, अब ये स्टोरी इधर से स्टार्ट हो रही है, तो जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, तो गाइस मेरे सामने से कुछ तो भी ब्लैक कलर का, मतलब साया बोल सकते हो, मेरे को गूज़बम्प्स सारे, हर वीडियो में बोलता हूँ लेकिन भाई मेरे को आते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा, तो वो साया इतने स्पीड में घुसा जैसे कि, मतलब वह थोड़ा सा ऐसा धूल उड़ी, तो भाई सबको समझा, हम चारों थे तो हम लोग को समझा कुछ तो गया है। तो भी मेरे अंदर चुल थी कि मैं देखूंगा, मैं थोड़ा 2 सीढ़ी नीचे चढ़ा, लेकिन भाई वो अलग ही, मतलब निगेटिविटी आपको समझती है, अलग ही वाइब आती है। तो जैसे ही मेरे को समझा कि भाई इधर जाना सही नहीं है, तो 2 सीढ़ी चढ़ा था, वो भी ऊपर रिटर्न आ गया, लेकिन मेरे को इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वहाँ फोटो वीडियो कुछ निकालूँ। वहाँ उधर रास्ता ही छोड़ दिया मैंने, वहाँ का रास्ता छोड़ के सीधा उधर साइड पे चले गया। लेकिन हम लोग के दिमाग में भी चल रहा था, हम लोग ने ये तो देख लिया अभी कैसा है क्या है, और ये भी शाम का ही टाइम था। शाम के टाइम पे मतलब इंसान बोलता है चलो ठीक है, लेकिन देखो मैं एक मेरा एक्सपीरियंस है, ये पुरानी जगह होती है, फोर्ट्स होते हैं, वहाँ अंधेरा होता है, बहुत सारी अंदर अंडरग्राउंड गुफाएं वो सब होती है, तो मतलब ऐसी निगेटिविटी आ जाती है, मतलब अंधेरों में आपने सुना होगा निगेटिविटी आती है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन वो थी क्या भाई, ब्लैक कलर का इतना सामने से एकदम हम लोग को दिखते हुए सामने से गुजर रहा है। मैं अकेला बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी नहीं घर में, अकेला बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये बिल्डिंग में भी भाई ये फ्लोर पे 4-5 लोग ही रहते हैं। तो भाई मेरी हालत ख़राब हो गई, तो मैंने इन लोग से बात किया, मैंने बोला अभी क्या करना है, देखते जाके एक बार। तो मैं रिटर्न गया उधर, फिर से मैंने देखा कि जाओ या नहीं जाओ, लेकिन मेरे फिर भी तब भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आंखों के सामने ये सब मैंने देख चुका था। तो वहाँ से फिर हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, जो भी हुआ जाने दो, आगे एंजॉय करते। तो लेकिन सबके दिमाग में तो वो सब चीज़ें थी। तो वहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े, तो वहाँ से एक दीवाने खास दिखता है आपको ऊपर से, तो वो सब गलियाँ हम लोग दिख रही है आपको, देखो गलियाँ ऐसी गलियाँ आती है। लेकिन भाई अकेले, मतलब दिन का टाइम भी हो तो, लेकिन ये गलियों में अकेले घूमना भाई डर वाला ही काम है, वो एकदम सन्नाटा जैसा लगता है, एकदम जैसे कुछ है ही नहीं इधर। तो वहाँ हम लोग घूम रहे थे, ये सब आपको फोटोज़ दिख रहे हैं, मैंने वहाँ फोटोज़ क्लिक किया, तब भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन भाई हम लोग के साथ जो लड़की आई थी, अभी लड़कियों को रहता है भाई परफ्यूम लगा ले, ये ले, एकदम तैयार होके, एकदम मेकअप रेडी वगैरह होके आए। तो मतलब मेरे को बाद में नोटिस हुआ, ये बाद में नोटिस हुआ, क्योंकि मेरे को लग रहा था, मैं बोला इंसान देखो मैं करके दिखाता आपको, लड़कियाँ ऐसा 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 फोटो निकालने के लिए गोल गोल घूमती है, ऐसा समझ गए होंगे आप, ऐसा घूमती घूमती है, मतलब सॉन्ग वोंग लगता नहीं तो भी अपना कैसे बोलो आपको, जो भी है समझ गए होंगे आप। तो वैसा मतलब हरकत थे, मतलब उसकी चल रही थी, तो ऐसा है वैसा है, वो एक एक पोज है, वो दीवार को ऐसा टच करके चलती है लड़कियाँ वो सब। तो मैं बोल रहा हूँ ये पुरानी हरकत है, मैंने बोला ऐसी इंसान क्यों कर रहा है, मतलब गलियों में से चल रहा है, इसी दीवार को टच कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। तो हम लोग ने इतना नोटिस नहीं किया, हम लोग हमारा एंजॉय कर रहे थे, फोटोज़ निकाल रहे थे। तो वहाँ से हम लोग गए नीचे आर्ट गैलरी में, ये तो हुआ, ये मेरे को इतना नहीं लगा, लेकिन वहाँ तो मेरे को कुछ मतलब डर जैसा लग रहा था, क्योंकि सब नीचे ही थे और मतलब हम लोग ही ऊपर थे, और हम लोग में से भी दो इधर दो उधर ऐसे हो गए थे, तो और डरने लगने लग गया मेरे को, मतलब करूँ क्या अभी। तो हम लोग वहाँ से नीचे उतरे, दीवाने खास के पास गए, दीवाने खास के बाद वहाँ नीचे एक मतलब सब जितने भी वर्कर होते थे पहले के, उनको खाना बनाने के लिए देग वगैरह होती है जैसा आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो वैसे थी देग। तो वहाँ से एक आर्ट गैलरी आती है, मतलब वहाँ पेंटिंग्स वगैरह बहुत सारी पुरानी चीज़ें वो सब रखी है, और अपन वो आर्ट्स वगैरह खरीद भी सकते हैं, उनकी कुछ प्राइस होती है, मुझे अभी इतना याद नहीं, 3-4 साल हो गया। तो मैं अंदर गया उधर से, और ये भी थे साथ में ये लोग, तो हम लोग अंदर गए, तो वहाँ भी ऐसी हरकत, इंसान मतलब हम लोग तो वैसे नॉर्मली थे, मतलब वो लड़की मतलब जो थी वाइफ उसकी, तो वो हर चीज़ों को मतलब ऐसा अपने ही समझ के ना कि इंसान देखता है, ऐसा गौर से खो जाता है इंसान उसके अंदर के, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, बस खो गया है।
बस ये अपना ही है ऐसा, मतलब वो एक महारानी वाली फीलिंग ऐसा समझ लो, मतलब कुछ एंटिटी थी आसपास में। तो जैसे ही बाहर आने के बाद मतलब मेरे को समझा, ये मेरे अंदर पहले से ही उंगली, कुछ भी ज़रा सा भी मेरे को डाउट होता है मैं डायरेक्ट मुंह पे पूछ लेता हूँ क्या हुआ कैसा। तो मेरे को बोलने लगे कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि ये सब मेरा है, ये सब मैं पहले आ चुकी हूँ इधर, ये सब मैंने पहले ही देख चुकी हूँ, पहले की पुरानी चीज़ें ये वो। तो मैंने बोला भाई ये कोई तो मैं महारानी वारानी घुसे है भाई इनके अंग में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कुछ बात को नोटिस किया नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है होते रहता है इंसान का, मस्ती मजाक भी हो रही होंगी। तो यहाँ तक भी मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब ये दो चीज़ें हुई, एक ब्लैक वाला वो तो मैं समझ गया कि हाँ हुआ है, ये चीज़ें थी तो मेरे को भी थोड़ा लगा, फिर मैंने इग्नोर किया, मैं बोला चलो होता है इंसान के दिमाग में ऐसा हो सकता है, नॉर्मल है, पॉसिबल है। तो उसके बाद ऐसा हुआ जैसे हम लोग नीचे उतरे फोर्ट में, तो वो दोनों की बातचीत क्या हुआ अचानक से, हम लोग को समझा नहीं, साथ में ही थे, झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, कोई रीज़न नहीं, कोई रीज़न नहीं, बस झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, बस झगड़ा हो रहा है, तेरा ऐसा तेरा वैसा ये वो कौन सी बातों पे झगड़ा हो रहा है। हम लोग सिर्फ चल रहे पीछे, काहे के लिए अपने मतलब दूसरों के झगड़े में इन्वॉल्व होना है। तो हम लोग वहाँ से नीचे उतरे तो उनका एकदम खतरनाक वाला झगड़ा, रोना धोना ये वो, पटका पटकी वाला झगड़ा होना स्टार्ट हो गया। हम लोग भी साइड में खड़े हो, मतलब अपन कुछ कर नहीं सकते, अपन क्या बोलेंगे इन लोग के बीच में। तो ये सब हुआ, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और रूम पे गए। तो रूम में भी भाई मतलब पूरा टाइम यही चल रहा था, शाम में रात में। दूसरे दिन जब हम लोग वहाँ से स्टेशन से निकले, मतलब सुबह हम लोग की 5 बजे की ट्रेन के आसपास थी कुछ, तो हम लोग आगरा गए। तो वहाँ जाने के बाद कुछ कुछ नॉर्मल होने लगा, मतलब जो भी झगड़ा था वो सॉल्व हुआ। पिछली चीज़ें तो मेरे दिमाग में थी, मैं वो मतलब वो रात मुझे नींद ही नहीं आई, समझ में नहीं आ रहा था भाई ये क्या गया है मेरे सामने से। लेकिन इस बार जाऊँगा ना तो मैं आपको भी दिखाऊंगा और नीचे जाके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार दिखा है तो भाई डर तो निकल गया है मेरा, अब क्या है तो देखते हैं। मेरे को लगता कुछ नहीं है, वो टाइम टाइम की बात होती, दिख जाता है कुछ भी। तो वहाँ से फिर हम लोग आगरा गए, और आगरा जाने के बाद जो मेरी तबीयत खराब हुई है क्या बोलूँ मैं आपको, इतनी गंदी तबीयत थी कि मेरे को घर आने तक 3-4 दिन तक मेरे को ऐसा हो रहा था कि कब मैं घर पहुँचूँ। लेकिन इन्जॉय मैंने फुल किया है और आप वो फोटोज़ देख सकते हो, और बहुत मज़ा आई है। तो गाइज यही स्टोरी थी, मतलब छोटी थी लेकिन भाई ये मेरे साथ हुआ था, मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको गोस्ट स्टोरी में ये शेयर करूँ कि ऐसा होती चीज़ें ऐसी फोर्ट्स वगैरह में। तो यही बात थी। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मतलब एक वीडियो अपना और एक आने वाला है, वो आगे आपको पता चले, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बिगिनर्स के लिए वीडियो है। और गोस्ट स्टोरी तो चलते रहेंगे, हफ्ते में 15 दिन में जो भी मेरे को है, मेरे को टाइम मिलेगा वो हिसाब से मैं याद करके लिखूंगा, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी बातें जो तो मैंने अपनी घर की बताया हो उसके लिए तो मेरे को लगता है लगभग मेरे को लिखने में ही भाई 8-10 दिन चले जाएंगे एक स्टोरी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी पुरानी चीज़ें घर वालों से पूछना पड़ेगा, मतलब अम्मी वगैरह से। तो मैं आपको बताऊँगा वो, ज़रूर वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए अगला जो वीडियो आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो जैसे मैंने बोला लाइक कर लो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।